सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। बिहार के मोतिहारी में बैंक से रुपया लूटकर भाग रहे अपराधियों को पुलिस एवं ग्रामीणों के सहयोग से गन्ने के खेत से दबोचा गया, जबकि एक अपराधी को बैंक में बैंक कर्मी ने ही पकड़ लिया था। घटना जिले के पहाड़पुर थाना क्षेत्र के सटाह चौक के समीप पीएनबी बैंक की है, जहां तीन बाइक पर सवार होकर हथियारबंद छह अपराधी बैंक में पहुंचे और बैंक से करीब 15 लाख रुपए लूट कर निकल रहे थे। इसी बीच बैंक के एक कर्मी ने पीछे से रुपए के बैग लिए एक अपराधी को पकड़ लिया। इस बीच एक अपराधी बाइक छोड़कर दूर गन्ने के खेत में जाकर छिप गया, बाकी अन्य मौके से फरार हो गया। इसी बीच घटना की जानकारी स्थानीय लोगों को लगी, जिसके बाद लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। कुछ लोग गन्ने के खेत में छुपे अपराधी को चारों तरफ से घेर लिया और कुछ लोगों ने बैंक में पकड़े गए अपराधी को जमकर धुनाई कर दी। इस बीच मामले की जानकारी लोगों ने पहाड़पुर थाना एवं अरेराज डीएसपी को बताया, जिसके बाद तुरंत मौके पर पहुंची पुलिस ग्रामीणों के सहयोग से गन्ना के खेत से अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं अब पुलिस गिरफ्तार दोनों अपराधियों से पूछताछ कर रहे हैं। पहाड़पुर में पश्चिम चंपारण की सीमा के पास सटहा नामक जगह पर पीएनबी की शाखा में आज सवेरे 5 लुटेरों ने जो है वहाँ पर प्रवेश कर करके वहाँ पर डकैती की घटना को अंजाम दिया, जिसमें कि वो लोग प्रथम दृष्टया पैसा लेकर के निकलने में सफल हुए थे, लेकिन उसके बाद ग्रामीणों के सहयोग से पुलिस वहाँ पर तुरंत पहुँची और उसमें से दो अपराधियों को खदेड़ कर पकड़ लिया गया, जिसमें से कि लूट की राशि वो भी पूरी बरामद हो गई है। 13,20,000 का अमाउंट जो था और वो सारा नोट मिला लिया गया है। बैंक वालों ने भी इसकी पुष्टि करी है कि ये सारी रिकवरी 100% हो गई है। दो अपराधियों को पकड़ा गया है, उनके पास से एक हथियार और दो बड़े चाकू, मोबाइल और अन्य सामान बरामद हुए हैं और इसमें जो है उनके टीम मेंबर्स की शिनाख्त की जा रही है। अब तक दो गाड़ियां हम लोग पकड़ चुके हैं और यही वो टीम है जो बेतिया में भी अभी दो जो बैंक डकैती की घटना हुई थी उसमें इन्होंने अपनी संलिप्तता स्वीकार करी है, तो इसमें हम लोग आगे कार्रवाई कर रहे हैं और इनको स्पीडी ट्रायल से हम लोग सजा दिलवाएंगे। बैंक में जो सेकेंड मैनेजर हैं रतन लाल उनका नाम बताया गया, उन्होंने काफ़ी एक्टिव भूमिका निभाई और मौका वारदात पर उन्होंने सूझबूझ से जो है पीछे से जाकर के पकड़ने का काम किया और उनका सहयोग वहाँ उपस्थित ग्रामीणों ने भी किया और तत्काल पुलिस भी वहाँ पर गश्ती गाड़ी में और एसडीपीओ वहाँ पर स्वयं पहुँचे और सभी लोगों ने ईख के खेत से पैसे की भी बरामदगी करी और अपराधी को भी पकड़ा और जो अपराधियों की जान भी बचाई और उन लोगों को जो है इलाज करवा करके फिर हम लोग आगे। वो दोनों बेतिया के ही बताए गए हैं और बाकी आगे शिनाख्त चल रही है, छापामारी अभी जारी है। हमारी तरफ से वहाँ के जो सेकंड मैनेजर हैं रतन लाल को हमने पुरस्कृत करने की घोषणा करी है और बेतिया में दो घटनाएं लगातार अभी पिछले महीने उन्होंने करी है जिसमें सक्सेसफुल हो गए थे, उसमें भी यही 13-15 लाख के आसपास का अमाउंट था जिसमें वो सक्सेसफुल हो गए थे। उसका उद्भेदन अभी मोतिहारी पुलिस ने कर लिया है और हम लोगों ने बेतिया पुलिस को भी इसमें बुलाया है कि उनका तरफ से भी सहयोग मिल रहा है। और दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।